स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे एग्जाम्स के एक दो दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर हीरो बन जाते हैं। ऐसा सीएससी के साथ इतिहास में हुआ है कि एंड ओज में चाहे जितना बड़ा लक्ष्य हो वो पार कर लेते थे, जीत जाते थे, आईपीएल ट्रॉफीज भी जीती है। लेकिन ये जमाना अलग है, इस मुकाबले में एंड ओवर्स में कुछ ज्यादा ही बड़ा लक्ष्य था जो पार हो ना सका और मिली उन्हें इस सीजन की पांचवी हार, आरसीबी के लिए चौथी जीत। और इस अजीबोगरीब परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए मेरे साथ संजय मंजरेकर। संजय, आज ऐसा कहा जा रहा था कि थोड़ा सा टू पेस विकेट है, लेकिन जब विकेट मुश्किल हो, कंडीशंस आसान ना हो, तब चैंपियन अपना असली रंग दिखाता है। कोहली जिस अंदाज में अपनी पारी के दो फेजेस खेले, पहली पारी में सिंगल शूज ले रहे थे और फिर दूसरी पारी में उन्होंने गियर बदला, आपकी क्या असेसमेंट है कोहली की इस मास्टर क्लास की? देखिए, जो मेन इनिंग्स थी, जो 80% उनकी इनिंग्स थी, वो उनकी नॉर्मल इनिंग्स है। यानी विराट कोहली ज्यादातर हम देखते हैं कि थर्ड गियर में खेलना पसंद करते हैं, यानी बाउंड्रीज गैप में मारना, तेज भागना। और जब वक्त आ गया कि अभी थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, तो हमको सबको फिर से उन्होंने याद करके दिखाया कि हम एक T20 एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी है, क्योंकि ये बल्लेबाजी हमने देखी है। एक साल उनका बहुत बढ़िया गया था, तब उन्होंने ढेर सारे सिक्सेस मारे थे। इनफैक्ट उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्सेस विराट कोहली के थे। ये ऐसे खिलाड़ी है जो टेस्ट में माहिर है, 50 ओवर्स के तो दिग्गज है, लेकिन T20 में भी, क्योंकि इनके पास एक पांचवा गियर है और वो आज वो गियर यूज करके उन्होंने जो हार जीत का जो डिफरेंस था उनके टीम में और सीएसके में, वो विराट कोहली के वजह से और वो टॉप गियर की बैटिंग जो हमने देखी अंत में, उसके वजह से। ऑलराइट, चेन्नई की डेथ बॉलिंग की बात करना जरूरी है, आज वो नहीं चली। 66 रन कंसीड किए आखिरी चार ओवर में। क्या विराट अनस्टॉपेबल थे या फिर कुछ और कर सकते थे ब्रावो, ठाकुर और सैम करन? देखिए, अगर आप पूरी उनकी बॉलिंग देखें तो सैम करन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक, और ये महेंद्र सिंह धोनी के गो टू प्लेयर बन गए बल्लेबाज के रूप में भी, और डेथ बॉलिंग भी काफी वोट डालते हैं। शार्दुल ठाकुर ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दोनों को एक ओवर में बहुत मार पड़ी, ज्यादातर सैम करन। तो इनकी डेथ बॉलिंग इनफैक्ट काफी अच्छी रही इस टूर्नामेंट में, सेकंड बेस्ट उनकी इकोनॉमी रेट है डेथ में दिल्ली कैपिटल्स के बाद। तो आज जो हुआ वो एक एक ओवर का एक्चुअली प्रॉब्लम था, जब सैम करन को 20 रन के ऊपर पड़ गए एक ओवर में और शार्दुल को। मुझे लगता है कि ब्रावो ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन अगले मैच में शायद दीपक चाहर को एक ओवर अगर डेथ के लिए रखे तो बुरा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि 3 ओवर उन्होंने डाले थे और मैंने देखा है उनको दीपक चाहर को डेथ में भी डालते हुए, उनको थोड़ी सी आइडिया है। तो शायद अगले मैचेस में धोनी एक ऑप्शन चाहर का भी रखेंगे डेथ बॉलिंग। राइट, तीसरा पॉइंट इस रिव्यू का, सुंदर का सुंदर प्रदर्शन। आज कोहली ने उन्हें पापले में गेंदबाजी करवाई और उन्होंने विराट के भरोसा को बिल्कुल सही ठहराया। पापले के अंदर अंदर डुप्लेसी और वॉटसन दोनों को आउट करवाया, क्या खास फीचर रहा उनकी गेंदबाजी का आज? देखिए, इस आईपीएल में हम देख रहे हैं कि जो भी सक्सेसफुल गेंदबाज है, अगर सीमर हो या स्पिनर हो, तो अगर वो सिंपल अपनी गेंद रखता है, यानी ऑलमोस्ट टेस्ट में जैसे बॉलिंग होती है, जैसे चहल ने की थी पहले 2-3 मैचेस में, अश्विन ने पहले अपने ओवर में इस आईपीएल में एकदम टेस्ट जैसे बॉलिंग, वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी एकदम सिंपल सी गेंदबाजी करते गुड लेंथ पे सीधा, और उसी गेंदों से दोनों बल्लेबाज आउट हो गए प्रेशर में आके, फाफ डुप्लेसी लॉफ्ट करते हुए आउट हो गए, और शेन वॉटसन जो स्वीप शॉट खेलते हैं एक अच्छा शॉट भी मारा था, तो उनको बिल्कुल लगा कि स्टंप में गेंद है, लेंथ पे है, तो लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी स्वीप के लिए। लेकिन ये एडवांटेज होता है जब आप स्टंप में अटैक करते हो, जब बल्लेबाज मिस करता है तो आपको विकेट मिल जाती है, और वो टर्निंग पॉइंट था। तो वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही इंप्रेसिव रहे हैं, और आस्ते आस्ते आरसीबी की बॉलिंग क्रिस मॉरिस के आने के बाद और भी अच्छी लगने लगी है। प्लस ये जो युवा खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी करता है, आके एक छोटे छोटे कैमियो कर खेल के जाता है, तो मैं देखता हूँ तो बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ कि ये टैलेंट इतने यंग खिलाड़ी में T20 के लिए इतना इम्पोर्टेंट टैलेंट उसके पास है गेंदबाजी का, और ये कैमियो जो हिटिंग उनके पास है वो। राइट, इस रिव्यू का चौथा पॉइंट, सैनी मॉरिस ने भरी डेथ बॉलिंग में जान। 5 विकेट गिरी आज सीएसके की बैटिंग में 16 से 20 ओवर के बीच, फुल मार्क्स। और उसके अलावा मॉरिस के टीम में आने से क्या फर्क पड़ा है? मॉरिस के टीम में आने से एक फर्क पड़ गया है कि सैनी को अब डेथ बॉलिंग में डालने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि सैनी वैसे भी देखो तो यंग है, फास्ट है, लेकिन डेथ बॉलिंग में बॉलिंग करना जरा मुश्किल होता है।
तो आज इसुरु उडाना ने गेंदबाजी की और सैनी के उन्होंने चार ओवर पहले ही खत्म कर दिए क्योंकि उनको पता था कि क्रिस मॉरिस है उनके लिए डेथ बॉलिंग करना। लेकिन आज डेथ बॉलिंग एक्चुअली डेथ बॉलिंग नहीं थी, बहुत ही आसान बॉलिंग थी क्योंकि तब तक मैच खत्म हुआ था। लेकिन क्रिस मॉरिस की अगर सिर्फ बॉलिंग देखे तो बहुत ही अच्छा कमबैक, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल फॉर्म में है और हर एक मैच खेल रहे हैं, पिच भी उनको सूट किया। तो इनके आने से और चहल तो है ही, और वाशिंगटन सुंदर, सैनी जिस तरह से गेंदबाजी कर रही, तो आरसीबी की बॉलिंग अब बिल्कुल अच्छी लगने लगी है। आरसीबी की बॉलिंग उनका मसला था लेकिन अभी लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है। अब बल्लेबाजी थोड़ी सी ठीक हो जाए तो एकदम स्ट्रॉन्ग टीम लगने लगेगी। और बल्लेबाजी चेन्नई की प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। पांचवा पॉइंट, सीएसके के बल्लेबाजों का इरादा क्या था? 48 डॉट बॉल्स, वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं दिखा, वो इंटेंट नहीं दिखा, वो धार मिसिंग है। इनफैक्ट धोनी ने खुद मैच के बाद कहा कि टू मेनी होल्स इन आवर शिप। क्या ये जहाज डूब रहा है? देखिए, एक रिस्क से वो खेल रहे हैं लास्ट 3-4 सालों से, दो बार गलत साबित किया उन्होंने सबको। इसी टैक्टिक, इसी प्लेयर और प्लेयर्स के साथ, इसी रणनीति के साथ एक बार टाइटल जीते, एक बार फाइनल पहुंच गए। लेकिन आज अगर आप देखें तो अगर फाफ डुप्लेसी और वॉटसन जब जल्दी आउट हो गए तो ये दो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, और अम्बटी राइडू एक ब्रेक के बाद, ये दूसरा मैच था तो इन तीनों के ऊपर निर्भर था ये चेस। और जब फाफ डुप्लेसी और वॉटसन जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद ऐसे नहीं लग रहा था कि वो खराब खेले, ऐसे लग रहा था कि उनके बस में अब नहीं है ये मैच जीतना, क्योंकि पिच भी आसान नहीं था। जगदीशन मेरे हिसाब से काफी अच्छा खेले, और शायद सीएसके को ये क्लू मिल गया कि केदार जाधव के बाद भी कोई बल्लेबाज है, तो ऐसे शायद चेंजेस हम और देखेंगे। लेकिन आफ्टर फाफ डुप्लेसी एंड वॉटसन मुझे लगा कि काबिलियत की कमी थी, इंटेंट और जो एफर्ट था उसकी कमी नहीं थी। और मैं धोनी को एक्चुअली आज दाद देना चाहता हूँ कि सही नंबर पे आ गए, बहुत जल्दी भी नहीं और बिल्कुल जल्दी उन्होंने मारने की भी कोशिश की, एक छक्का मारा, दूसरी बार जब मारने गए तो आउट हुए। तो अगर इसी इंटेंट के साथ खेले तो एक रात उनकी हो सकती है कि बहुत जल्दी अटैक करे और ऐसा कोई मैच एकदम अनएक्सपेक्टेड अपनी टीम को जिताए। लेकिन आज सीएसके के खिलाफ आरसीबी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, 37 रनों से इस मैच को जीतकर आरसीबी ने अपना चौथा मुकाबला अपने नाम किया और पहुंच गए पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर। सीएसके के लिए पांचवी हार, मैच कितने खेले? 7। लेकिन आज हमारा साथ दिया संजय मांजरेकर ने, थैंक्स सो मच। ईएसपीएन क्रिकेट रिव्यूज और रिव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा।